व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करे थे, जिसमें मेनली ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बातचीत करी थी। आज क्योंकि कमेंट्स में आया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार पूरा फॉर्मेट समझना है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आइटम्स किस तरीके से आती हैं। देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। ये पूरा फॉर्मेट आपको आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा इसी तरीके से, और मैंने आप लोगों को इस फॉर्मेट की शॉर्ट टेक्निक्स लास्ट क्लास में बता दी थी, बट स्टिल आज ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ही था कि ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है ओपनिंग स्टॉक। इधर ओपनिंग स्टॉक बाहर आ गया, उसके बाद आप लिखेंगे परचेज, इधर परचेज इनर कॉलम में, माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस कर दो, इसको हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न बोल दो, रिटर्न आउटवर्ड बोल दो, आपका एक ही बात है। सर याद कैसे रहेगा कि आउटवर्ड है या इनवर्ड है? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने माल खरीदा, आप वापस कर रहे हो, तो आपके पास से बाहर जा रहा है ना, तो आउटवर्ड शब्द समझ जाना कि परचेज रिटर्न हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में सबसे पहले सेल्स इनर कॉलम में, माइनस करूंगा मैं इसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, नेट सेल्स बाहर। अब जो आपने माल बेचा है, जो आपने सेल्स करी है, सामने से माल वापस भी आएगा, जब बेचा है वो वापस आएगा, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड। तो ये होता है रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद बेटा जी बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे खर्चे, जिसको मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हमने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया होगा, बट लर्न करने की नीड नहीं है। चार चीजें पकड़ लो। कौन सी चार चीजें? क्या वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या वो परचेज से रिलेटेड है कि कुछ खरीदा है, और या फिर खर्चे के साथ इनवर्ड लिखा हुआ है, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा कुछ लिखा है। तो चार शब्द पकड़ लो, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, परचेज एंड इनवर्ड, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले खर्चे के साथ, जो कि है वेजेस। अब देखो वेजेस और सैलरीज दो चीजें हैं, एक खर्चा है वेजेस, एक खर्चा है सैलरीज। तो वेजेस फिजिकल लेबर पे दिया जाता है और सैलरी मेंटल लेबर पे दिया जाता है। जब आप दिमाग से काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, जब आप फिजिकल वर्क करते हो तो आपको वेजेस मिलती हैं। अगर डेली बेसिस पे बात करूं तो वेजेस मिलती है, मंथली बेसिस पे बात करूं तो सैलरीज मिलती हैं। तो अब देखो फैक्ट्री में तो मेनली फिजिकल वर्क होगा, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा काम हो रहा होगा, इसीलिए वेजेस यहाँ पे आता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास सबसे पहला खर्चा आता है वेजेस। अब कई बार ऐसा होता है बच्चे कि दोनों साथ में दिए होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, या सैलरीज एंड वेजेस साथ में दे दिए। तो जब भी साथ में हो तो दूसरा शब्द आपको इग्नोर कर देना है, आपको बस पहला देखना है। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो पहला वर्ड वेजेस है ना, वेजेस यहां आता है तो ये यहीं आएगा। सपोज सैलरीज एंड वेजेस होता तो आप सैलरी कंसिडर कर रहे थे उसको, फिर वो यहां नहीं आता। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेजेस आता है, सैलरी यहां पे नहीं आता। अगर दोनों साथ में है तो फर्स्ट वर्ड देखो, फर्स्ट वर्ड अगर वेजेस है तो वो यहां पे आएगा, फर्स्ट वर्ड अगर सैलरी है तो वो यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस में कई बार सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देता है, वो है ही हमारे पास, कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो। कैरेज का मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, आपने रॉ मटेरियल मंगाया किसी पर्टिकुलर शिप से, ट्रेन से, तो किराया तो लगेगा ना, कैरेज बोल देंगे उसको हम। अब देखो परचेज से रिलेटेड है कि आपने माल खरीदा तो कैरेज बोल दे, कैरेज इनवर्ड बोल दे, इनवर्ड शब्द ये ना, कैरेज ऑन परचेज बोल दे, इट मीन्स ये परचेज से रिलेटेड है। तो कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये इसी से रिलेटेड हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास गैस, फ्यूल एंड पावर। अब देखो गैस, फ्यूल, पावर भी फैक्ट्री में ही चलेगा, है ना, तो गैस, फ्यूल, पावर आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया। फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट किसको बोलते हैं? फ्रेट हम भाड़े को बोलते हैं। लाइक वही बात है कि आप कुछ भी सामान मंगाते हो तो बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होके आएगा, बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होके आएगा, तो उसको हम कार्टेज बोलते हैं। कार्ट्स होते हैं ना, बड़े बड़े कार्ट्स, जब आप रेलवे से मंगाओ
तो बड़े बड़े कार्ट्स में पैक होकर आता है, उस पर जो खर्चा आया उसको कार्टेज बोलेंगे। तो फ्रेट एंड कार्टेज भी आपका इसी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैं बोल ही चुका हूँ, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, मैन्युफैक्चरिंग बोले, प्रोडक्टिव बोले, या फिर फैक्ट्री के खर्चे, जैसे मैंने लिखा ही है यहाँ पे फैक्ट्री, तो अगर कोई भी फैक्ट्री का खर्चा है वो भी यहीं पे आएगा, जैसे फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो भी यहीं पे आती है। उसके बाद अगर आपने कोई भी सामान शिप से मंगाया, शिप से आने वाले सामान को हम लोग बोलते हैं डॉक चार्जेस, शिप से आया तो क्या बोलेंगे, डॉक चार्जेस, ठीक है। तो डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, वो भी यहीं पे आता है, क्योंकि परचेज कर रहे हो ना आप रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी होती है जब आप फॉरेन से कोई सामान मंगाते हो, तो इंपोर्ट करने पे जो टैक्स लगेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, वो भी यहीं पे आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी मेनली होती है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज कोल माइन में से मैं कोल निकाल रहा हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पर मुझे रॉयल्टी देनी होगी माइन ऑनर को कि हाँ ठीक है इतना रॉयल्टी मैं पे कर रहा हूँ, सही है। तो रॉयल्टी होता है किसी भी एसेट को यूज करने का खर्चा मेनली, वो भी इसमें आता है, याद रखना। उसके बाद क्रेडिट में और क्या क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको बता ही दिया था शुरू की चार चीजें फिक्स हैं, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ठीक है। फिर ये सब खर्चे बच्चे, देन आप दोनों का डिफरेंस करोगे, अगर बैलेंस इधर आया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे, और अगर बैलेंस इधर आया तो उसको ग्रॉस लॉस बोल देंगे। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इन रिलेशन विद द लास्ट वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि पूरा फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट में क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है, मैंने आपको सारी क्लैरिटी दे दी, हर चीज़ बता दी। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। चलो जी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें बन के आती हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो हम लोगों ने मेनली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया, अब हम आज देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, फिर बैलेंस शीट देखेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है जहाँ पर ट्रेडिंग ख़त्म होता है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होता है। इसके अंदर सर आता क्या क्या है, इसके अंदर हमारे वो सभी खर्चे आ जाते हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आए, जैसे कि ऑफिस के खर्चे, जैसे कि सेल्स के खर्चे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। तो ऑफिस के खर्चे हों, सेल्स के खर्चे हों, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हों, और अदर एक्सपेंसेस हों। अदर एक्सपेंसेस आपके बहुत सारे बच गए इसके अलावा, जैसे बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये सब। इन सभी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, इन सभी को हम लोग कौन से बोलते हैं, इनडायरेक्ट। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स भी आती हैं, खर्चे तो आते ही हैं साथ साथ इनकम्स भी आती हैं। सर इनकम्स कौन कौन सी आती हैं, इनकम्स में जैसे कमीशन रिसीव्ड, जैसे रेंट रिसीव्ड, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कोई भी पैसा रिसीव होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। सर क्रेडिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में सब एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, क्रेडिट में सब इनकम्स एंड गेंस आएंगे। तो बेसिक पकड़ ले बेटा कि डेबिट में हमेशा सब खर्चे नुकसान आने हैं, क्रेडिट में सभी इनकम्स एंड गेंस आने हैं। तो ये बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्सटेंशन है ट्रेडिंग का, इसमें सभी खर्चे डेबिट साइड में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल यही तो होता था, ये रूल कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट का। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सा अकाउंट है तो बोलना नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, करेक्ट। चलो जी, ये सॉर्टेड। अब हम इसके फॉर्मेट पे चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, काफ़ी सारी आइटम्स इसमें हमारे पास आती हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए मैं आपको वापस से एक बार नोट पे लेके चलता हूँ। जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सपोज ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा कि शुरू में हमारे पास इधर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद इधर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न,
ये माइनस माइनस करके अमाउंट बाहर आ जाता है, फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके अमाउंट बाहर आ जाती है, फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, सारे जितने भी खर्चे होते हैं उनको कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर ये प्लस करके इनमें से ये तीनों माइनस कर दो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जी पी एंड एल अकाउंट शुरू होता है, इसके बाद कौन सा अकाउंट शुरू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अगर ये ना आया होता इधर लॉस आया होता, सपोज इधर ग्रॉस लॉस आ रहा होता तो हम उसको इधर ट्रांसफर कर लेते टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां से शुरू होता है, जहां पे ट्रेडिंग खत्म होता है, जहां ट्रेडिंग खत्म हुआ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू, ठीक है। उसके बाद सारे खर्चे इधर, सारी इनकम इधर, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ समझते हैं, देखो हमने क्या करा, सबसे पहले जीपी लिख दिया और इधर जीएल, दोनों में से एक ही आएगा। फिर आप खर्चे देखो, खर्चों में सबसे पहले वो सब खर्चे जो आपने ऊपर अभी तक नहीं लिखे थे, कौन कौन से खर्चे, जैसे सैलरी आ गया, सैलरी ऊपर नहीं आया था ना, वेजेस आया था, फिर इकट्ठे आए तो पहला शब्द देखना है, दूसरा देखना ही नहीं, सैलरीज, रेंट रेट टैक्सेस, सर ये रेंट रेट टैक्सेस कौन से हैं, ये ऑफिस के हैं, फैक्ट्री लिखा हो तो ऊपर, फैक्ट्री नहीं लिखा तो यहाँ, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, पोस्ट ऑफिस के खर्चे, लाइटिंग, लाइटिंग कौन सी है, ऑफिस की है, अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हो तो ऊपर, सिर्फ लाइटिंग लिखा है तो यहाँ पे, इंश्योरेंस, टेलीफोन के खर्चे, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस क्या होती है, देखो जब हमारी फाइनल अकाउंट्स बन जाती हैं, जब हमारी बुक्स बन जाती हैं तो हम इसको बाद में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट होना। एक CA बहुत बहुत ज़्यादा हमारे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में, तो ये राइट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है कि वो चेक करें कि बुक सही बनी है या नहीं बनी है, तो उस चेकिंग को हम लोग बोलते हैं ऑडिट, और उसकी जो वो फीस लेते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे, इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस सेटअप करने के, इस्टेब्लिश करने के खर्चे, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, तो ये सभी हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले तो ऑफिस के खर्चे यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं सेल्स के खर्चे, जैसे कैरेज आउटवर्ड। अब देखो इनवर्ड शब्द जो है ना बच्चे, वो परचेज के लिए यूज होता है इसीलिए ऊपर आया था, आउटवर्ड शब्द जो है वो सेल्स के लिए यूज होता है इसीलिए वो यहाँ आएगा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज ऊपर आया था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कमीशन पेड, ये सब पेड है, ब्रोकरेज पेड, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो आपने इम्पोर्ट करा तो माल खरीदा था इसलिए ऊपर आया था, एक्सपोर्ट करा तो माल बेचा इधर आएगा, पैकिंग के चार्जेस, डिलीवरी वैन के खर्चे, स्टेबिलिटी के खर्चे, ये इधर आ जाते हैं। इसके बाद सर कुछ खर्चे और भी बचेगा वो भी बता दो, तो इसके बाद क्या क्या आ गया हमारे पास, डिस्काउंट दिया, रिपेयर करा, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पे करा, डेबिट मतलब पेड, बैंक के खर्चे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब किराया, ठीक है, डोनेशन चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेचा उस पर लॉस हो गया तो सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट ही होने हैं। बेसिकली वो चार चीजें पकड़ लो ट्रेडिंग वाली, उसे छोड़ के जितने भी खर्चे हैं सब यही आने सारे। उसके बाद हम इनकम्स देखेंगे, सर इनकम्स कौन कौन सी हैं, अगर इनकम्स की बात करें तो रेंट रिसीव्ड सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ गया, रेंट रिसीव्ड, यही रेंट फ्रॉम टीनेंट से हो या बेसिक रेंट हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उन शेयर्स पे जब आपको प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई बैड डेट हो गया था उसने पैसा दे दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई और इनकम आपकी हो गई है वो, मिसलिनियस इनकम अखबार वगैरह बेच के, तो सभी इनकम्स इधर, इन इनकम्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। ट्रेडिंग में तो कोई इनकम आती नहीं थी, बस सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इनकम सारी इधर आनी है,
और डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हम फिर से डिफरेंस करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड का टोटल लगाने के बाद ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, यहाँ पे सारे खर्चे लिख दिए, यहाँ पे सारी इनकम लिख दी, ये सब इनकम्स आ गई, इनकम्स, इधर सब एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस। तो इसका टोटल लगाया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो वैल्यू आया, अगर डिफरेंस इधर आया, ये दोनों प्लस करके ये माइनस करके अगर डिफरेंस इधर आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग का क्या रिजल्ट होता है, ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट। और अगर बैलेंस इधर आया तो इसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस। तो डिफरेंस करना है, अगर डिफरेंस इधर आया तो नेट प्रॉफिट, इधर आया तो नेट लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगली क्लास में हम ट्रेडिंग के और क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आने वाली क्लासेस में उसको भी क्लियर करेंगे, चैप्टर तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।